नमस्कार दोस्तों, अभी तक ये जो लेक्चर सीरीज है जिसमें हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट हमने सारे यूनिट्स के बारे में बात कर लिया है। जो यूनिट्स प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी जो क्वालिटी अपग्रेड करने के काम में आते हैं, या फिर जो आपका ये लो वैल्यू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम में आते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक यूनिट का डिस्कशन अभी बाकी रह गया, क्योंकि जनरली बहुत सारे प्रोसेस हैं रिफाइनरी में जिसमें हाइड्रोजन का यूज होता है, जैसे डीजल हाइड्रो डिसल्फराइजेशन यूनिट, हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट, आइसोमराइजेशन यूनिट, और आपका ये KHDS, NHDT, बहुत सारे यूनिट में हाइड्रोजन का यूज होता है। तो हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट भी एक रिफाइनरी में है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन जो रिफाइनरी में यूज होता है, हाइड्रोजन एक तो कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट से आता है, CRU से, क्योंकि हमको पता है कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट का मेन रिएक्शन क्या है, नेफ्थीन डिहाइड्रोजिनेशन, और नेफ्थीन का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो आपका हाइड्रोजन जनरेट होता है, तो इसलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है। बट ये हाइड्रोजन इतना सफिशियंट नहीं होता है कि बाकी सारे यूनिट का हाइड्रोजन डिमांड मीट कर पाए, इसलिए हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट भी होता है रिफाइनरी में। किसी किसी रिफाइनरी में एक होता है, किसी किसी में दो होता है, जो जैसे भी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट भी हो सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन जनरेशन कैसे होता है। हाइड्रोजन जनरेशन करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं। एक टेक्नोलॉजी ऐसे है जिसका नाम है स्टीम रिफॉर्मिंग, जिसमें मीथेन से लेकर अप टू नेफ्था तक कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसका रिफॉर्म करके हाइड्रोजन जनरेट होता है, मतलब नेचुरल गैस से लेकर नेफ्था तक। एक दूसरा टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसमें हेवियर हाइड्रोकार्बन, पार्शियल ऑक्सीडेशन जिसमें हेवियर हाइड्रोकार्बन से, हेवियर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम लोग हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, इवन नेफ्था से भी ज़्यादा हेवी, केरोसिन डीजल तक। उसके बाद कोल से भी हाइड्रोजन जनरेट किया जा सकता है, उसका प्रोसेस का नाम है गैसिफिकेशन, और स्मॉल स्केल पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी हाइड्रोजन जनरेट किया जा सकता है। बट रिफाइनरी में मोस्टली स्टीम रिफॉर्मिंग ही यूज होता है, इसलिए हम लोग स्टीम रिफॉर्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्टीम रिफॉर्मिंग है, इस स्टीम रिफॉर्मिंग के बारे में बात करते हैं। स्टीम रिफॉर्मिंग से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि दो सेम नाम जैसा ये और यूनिट है। एक तो कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट, कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट का मेन पर्पस एरोमेटिक्स जनरेट करना होता है, वो डिफरेंट है स्टीम रिफॉर्मिंग से, इससे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। स्टीम रिफॉर्मिंग भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है, बट इसका मेन पर्पस हाइड्रोजन जनरेट करना होता है। सिमिलरली एक और यूनिट होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसको स्टीम क्रैकिंग बोलते हैं। स्टीम क्रैकिंग भी का फीड भी नेफ्था है, लेकिन वहाँ नेफ्था का क्रैकिंग होता है, और नेफ्था का क्रैकिंग होकर के वहाँ पे मोस्टली ओलिफिन्स बनाया जाता है, इथाइलिन प्रोफाइलिन। तो ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, स्टीम रिफॉर्मिंग फॉर हाइड्रोजन जनरेशन, स्टीम क्रैकिंग फॉर ओलिफिन प्रोडक्शन, और कैटलिटिक रिफॉर्मिंग फॉर एरोमेटिक्स प्रोडक्शन फॉर गैसोलीन। ठीक है, अब ये देखिए स्टीम रिफॉर्मिंग कैसे काम करता है। स्टीम रिफॉर्मिंग में मोस्टली जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसका हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने से ही आएगा। और हमने जो बात किया था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में है, वो सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट साइड में है तो वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब आपको हीट देना पड़ेगा, तो हीट भी लेना पड़ेगा, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, करीब करीब 900 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। तो एक तो ये मेन रिएक्शन होता है, इसके अलावा चूंकि ये तो हाइड्रोजन जितना जनरेट हुआ, और इस जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को कभी स्टीम से रिएक्शन करा जाए तो CO2 और हाइड्रोजन बनता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन फर्दर जनरेट हो जाता है और CO कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। इस रिएक्शन को शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड शिफ्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इससे फर्दर हाइड्रोजन जनरेट होता है। ये स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन की मदद से हम लोग हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे रिफाइनरी में तो मैं बोला कि मोस्टली नेफ्था यूज होता है हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो
और ये कैटलिटिक प्रोसेस है। तो जो कैटलिस्ट यूज होता है ये हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, उस कैटलिस्ट के लिए सल्फर, क्लोरीन ये सब पॉइजन है, मतलब उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए पहले नेफ्था का हाइड्रो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जो भी नेफ्था आया, मान लीजिए जो भी नेफ्था है, उसका पहले नेफ्था हाइड्रो ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाते हैं NHDT में, जहाँ पे हाइड्रो ट्रीटमेंट होने से जो सल्फर है वो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से सल्फर रिमूव हो जाएगा। अब ये जो सल्फर रिमूव हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड से एब्जॉर्ब करा लेते हैं, मतलब जो H2S, तो नेफ्था से H2S चला गया। फिर क्लोरीन को हटाने के लिए एक और ये होता है क्लोरीन रिवॉल्व, जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट से क्लोरीन को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो सल्फर है, जो ओलिफिन्स है जो कि प्रॉब्लम करते हैं कैटलिस्ट के लिए, वो सब रिमूव हो जाता है। इस तरह से प्री ट्रीटमेंट हो जाता है और ये जो ट्रीटेड नेफ्था है ये कैटलिटिक स्टीम रिफॉर्मिंग यूनिट में जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट में पहले नेफ्था, जो ट्रीटेड नेफ्था है, उस नेफ्था को प्री रिफॉर्मर यूनिट में ले जाया जाता है। प्री रिफॉर्मर यूनिट में वहाँ पे क्या करते हैं, पहले नेफ्था को मीथेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो मतलब जो भी नेफ्था है CNMHN, ये एक बैलेंस करने से ये आएगा, ये जो बना जनरेट हुआ, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मीथेन बना लेता है, इसको मीथेनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये प्रोसेस में इवन कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मीथेन बना लेता है, ये मीथेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो नेफ्था है वो कन्वर्ट हो गया आपका मीथेन में, और फिर मीथेन को स्टीम रिफॉर्मिंग जो मेन रिफॉर्मर है उसमें ले जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो रिफॉर्मर है वो बेसिकली कुछ नहीं, वो फर्नेस जैसा ही है रिफॉर्मर, और उसमें जो ट्यूब्स होते हैं उस ट्यूब्स के अंदर ही कैटलिस्ट वगैरह होता है। ठीक है, जनरली निकेल कैटलिस्ट होता है एल्यूमिना बेस पे, कैटलिस्ट के बारे में जब बात करेंगे तो उसके भी डिस्कस कर लेंगे। तो वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के अंदर ही निकेल भरा रहता है, और यहाँ पे आपका बर्नर्स होते हैं, जैसे यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं, साइड फायरिंग या फिर वर्टिकल फायरिंग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। किसी किसी यूनिट में वर्टिकल फायरिंग होता है, ऊपर से सब फायरिंग रहता है, क्योंकि आपको हीट तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है और बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो फर्नेस जैसा ही है रिफॉर्मर, और उसमें जो ट्यूब्स है उसमें कैटलिस्ट भरे हैं, और उसमें जब नेफ्था जाता है तो रिफॉर्मिंग हो जाता है, ये रिएक्शन होता है। ऑब्वियसली ये जो इतना हाई टेम्परेचर पर आपने रिएक्शन कराया, तो इसका मतलब जो फ्लू गैस बनेगा वो बहुत हाई टेम्परेचर पर बनेगा, तो उस फ्लू गैस को तो डायरेक्टली आप एटमोसफियर में नहीं छोड़ सकते, तो रैदर उस फ्लू गैस का हीट यूज कर लेना चाहिए। तो वही करते हैं नेफ्था में, बहुत सारे बॉयलर फीड वाटर दे के स्टीम जनरेट किया जाता है रिफॉर्मर में, के फ्लू गैस से एयर को प्रीहीट किया जाता है। ठीक है, प्रीहीट एयर प्रीहीट होता है। और ये जो मैं बात कर रहा था कि प्री रिफॉर्मर अगर यूज कर रहे हैं, प्री रिफॉर्मर में मतलब जो भी नेफ्था जो है हाइड्रोट्रीटेड नेफ्था है, उसमें हम लोग स्टीम यूज करके नेफ्था को हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने नेफ्था को इसको पहले प्रीहीट करके इसमें डाल दिया, और नेफ्था को हम लोग कन्वर्ट कर दिया मीथेन में, और मीथेन में नेफ्था को कन्वर्ट करने के बाद वापस प्रीहीट करके हम लोग रिफॉर्मर में डाल दिए, और यहाँ से हाइड्रोजन हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ CO, CO2 या अनकन्वर्टेड मीथेन ये सब भी रहेगा, और इसमें भी हम लोग ये जो है यहाँ पे स्टीम दे दिए। तो आप समझ रहे हैं कि प्री रिफॉर्मर देने से क्या फ़ायदा हुआ। प्री रिफॉर्मर देने से ये फ़ायदा हुआ कि आपने जो मीथेन नेफ्था को डायरेक्टली अगर रिफॉर्मर में भेजते तो आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पूरे नेफ्था को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है। अभी तो क्या है कि रिफॉर्मर का जो फ्लू गैस है उसी एनर्जी से हमने नेफ्था को हीट करके पहले रिफॉर्मिंग कर दिया, इस तरह से रिफॉर्मर का लोड घट गया, और फर्दर जो रिफॉर्म मीथेनेशन हुआ है जो प्री रिफॉर्मर में, उसको फर्दर उसी फ्लू गैस से हीट करके हमने रिफॉर्मर में भेज दिया। तो इस तरह से एनर्जी थोड़ा सेव होता है, रिफॉर्मर का लोड घटता है, हर जगह नहीं होता है, किसी किसी जगह पे होता है। एक बार रिफॉर्मिंग हो गया तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या बन गया, CO, CO2, H2, CH4। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे स्विफ्ट रिएक्टर में भेजते हैं। स्विफ्ट रिएक्टर में बेसिकली CO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के प्रेजेंस में CO2 में, और हाइड्रोजन जनरेट होगा।
जनरली ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और हमको पता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन जनरली जो है वो लो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कन्वर्जन फेवर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कराना चाहिए, बट ये भी पता है कि हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस दोनों को फ़ायदा लेने के लिए, काइनेटिक्स को और इक्विलिब्रियम कन्वर्जन को फ़ायदा लेने के लिए, दो शिफ्ट रिएक्टर होता है। एक हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट रिएक्शन होता है और एक लो टेम्परेचर पे। तो मतलब ये जो रिफॉर्मर से आया, रिफॉर्मर से जो भी ये गैस आया, इसको पहले तो थोड़ा ठंडा कर लिया कुछ भी हीट को यूज करके, और वहाँ पे उसके बाद हाई टेम्परेचर पे ही शिफ्ट रिएक्शन करा लिया। तो यहाँ पे कन्वर्जन तो नहीं होगा, बट हाई टेम्परेचर पे फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कन्वर्जन तक नहीं रीच हो पाएगा। तो उसके बाद फर्दर, उसके बाद टेम्परेचर लो करने के लिए फर्दर हीट कर लिया, आप अपने फीड को हीट कर लो या स्टीम जनरेट कर लो, जो भी करना है, और वहाँ से उसके बाद लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर में ले जाते हैं। लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर पे इक्विलिब्रियम कन्वर्जन अचीव हो जाता है। तो अभी इसके बाद मोस्टली CO2 रह जाएगा, H2 रह जाएगा, या फिर अनकन्वर्टेड हाइड्रोकार्बन या CO जो स्लिप हो गया है वो रह जाएगा। इसको फिर सेपरेट करने के लिए, हाइड्रोजन सेपरेट करने के लिए प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन यूनिट में ले जाया जाता है। प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन में जो CO2 है, CO है, मीथेन है, ये एडजॉर्ब हो जाते हैं और प्योर हाइड्रोजन मिल जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ही यूनिट के बारे में हमने बात कर लिया है डिटेल में, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है। अब आप कोई सा भी यूनिट आप जो पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपका एक बेसिक फंडामेंटल डेवलप हो गया है। अब आप कोई भी पेट्रोलियम रिफाइनरी का बुक है या केमिकल टेक्नोलॉजी का बुक है, वहाँ से आप पेट्रोलियम रिफाइनरी पढ़िए, या कोई भी रिफाइनरी का आप प्रोसेस फ्लो शीट या ब्लॉक फ्लो डायग्राम आप देखेंगे तो अब आप इजिली समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जितने सारे कैटलिटिक रिएक्शन होते हैं रिफाइनरी में, उसमें क्या क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैटलिस्ट वाला पोर्शन छोड़ दिया था और हमने बात किया था कि सारे ही यूनिट का कैटलिसिस अगर एक साथ समझ लेते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमको इजी होगा कोरिलेट करना और याद करना इजी होगा। तो इसलिए अभी हम सारे ही यूनिट का कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। और उसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी यूनिट्स हैं उसके प्रोसेस वेरिएबल्स के बारे में हमने बात नहीं किया था, मतलब हमने ये नहीं बात किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर घटाने से क्या होगा, इस तरह के जो प्रोसेस वेरिएबल्स है उसके बारे में हमने बात नहीं किया। एक्चुअली जो प्रोसेस वेरिएबल्स है ना, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस को अच्छे से समझना है। आप रिएक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप प्रोसेस वेरिएबल्स को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जनरली अगर आपका, जैसे आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन कैसे अचीव होगा, ये बेसिस पे, और डिजायरेबल रिएक्शन क्या है, अनडिजायरेबल रिएक्शन है क्या है, अगर उसको आप ठीक से देखें तो प्रोसेस वेरिएबल को आप इजीली समझ सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा यूनिट है FCC जिसमें प्रोसेस वेरिएबल समझने के लिए हीट बैलेंस करना पड़ता है अक्रॉस रिएक्टर रीजनरेटर। तो ये एक जस्ट बेसिक मैं कंसेप्ट दे दिया कि अगर आपको प्रोसेस वेरिएबल समझना है तो पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लीजिए और उसके बाद आप प्रोसेस वेरिएबल पढ़िए, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, अभी कैटलिसिस के बारे में बात करते हैं। तो रिफाइनरी में जो रिएक्शन होते हैं, मोस्टली जो हम लोगों ने अभी तक समझा है, मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्रैकिंग रिएक्शन होता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, इसके अलावा आपका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी होता है, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन जनरेट होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोटीटिंग भी हाइड्रोजिनेशन में आ जाएगा, हाइड्रोक्रैकिंग भी होता है। तो ये सारे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है या प्रोडक्ट साइड में है, इस तरह के होता है रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपका ये कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें दो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐड होके बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जैसे एल्काइलेशन रिएक्शन जिसमें आइसोब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटेन रिएक्ट करके और आपका आइसोऑक्टेन बनाता है, ये रिएक्शन होता है। और कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें, जैसे मेरोक्स रिएक्शन में कॉस्टिक का रीजनरेशन होता है, तो वहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह के जो रिएक्शन है मोस्टली ये सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अभी क्या है, आप देखिए जहाँ पे भी क्रैकिंग होगा या आइसोमराइजेशन होता है वो वहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो एसिडिक कैटलिस्ट यूज होता है, यानी कैटलिस्ट का जो एसिड साइट्स है वहाँ पे
आइसोमराइजेशन या क्रैकिंग रिएक्शन होता है, ये ऑलवेज याद रखिए। तो कहीं भी आपको रिएक्शन पता है आप कैटलिस्ट के बारे में गेस मार सकते हैं। जहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन हो या डिहाइड्रोजिनेशन हो, मतलब रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में अगर हाइड्रोजन है, बस वहाँ सारी जगह पे मेटल कैटलिस्ट यूज होता है, मेटल कैटलिस्ट यूज होता है। और इवन एडिशन रिएक्शंस में भी एसिड कैटलिस्ट यूज होता है, बट एल्काइलेशन रिएक्शन ऐसा है जिसमें हम लोग को लिक्विड एसिड यूज करना पड़ता है। मोस्टली ये सारे रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो सॉलिड फेज में यूज होता है, बट एल्काइलेशन रिएक्शन और मेरोक्स रिएक्शन ये दो ऐसा रिएक्शन है जिसमें लिक्विड फेज में कैटलिस्ट यूज होता है। तो जैसे एल्काइलेशन के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड या H2SO4 यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, किसी किसी यूनिट में HF, किसी किसी यूनिट में H2SO4। और मेरोक्स में जो यूज होता है वो मोस्टली चिलेटेड आयरन कंपाउंड कैटलिस्ट यूज होता है, चिलेटेड आयरन। ठीक है, तो ये दो का आप याद रखिए और बाकी के लिए आप पूरा गेस मार सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि एसिड के साइड्स कौन से कैटलिस्ट देते हैं और मेटल कैटलिस्ट क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये जो एसिड कैटलिस्ट है मोस्टली जो रिफाइनरी में यूज होता है वो है जियोलाइट, जो कि कुछ नहीं है क्रिस्टलाइन सिलिका एल्यूमिना है, क्रिस्टलाइन सिलिका एल्यूमिना। और इसका जो एक्टिविटी होता है ना वो एमोर्फस सिलिका एल्यूमिना से ज़्यादा होता है, एमोर्फस सिलिका एल्यूमिना से ज़्यादा होता है। तो एक्टिविटी जो है दोनों ही एसिडिक कैटलिस्ट है, बट एमोर्फस सिलिका एल्यूमिना से ज़्यादा एक्टिविटी है जियोलाइट की। इसके अलावा क्लोरीनेटेड गामा एल्यूमिना भी यूज होता है, क्लोरीनेटेड गामा एल्यूमिना। ठीक है, तो आप समझिए कि जो एसिडिक कैटलिस्ट हैं रिफाइनरी में मोस्टली मेटल मतलब ऑक्साइड्स होते हैं, या तो वो सिलिका एल्यूमिना होता है जिसमें सिलिकन भी है एल्यूमिना भी है, या फिर एल्यूमिना होता है जो कि जिसका क्लोरीनेशन कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो मेटल कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट वो दो तरह के मेटल्स यूज करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसको नोबेल मेटल कहा जाता है, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नोबेल मेटल जो है वो मोस्टली वैसे मेटल हैं जिसका जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है मॉइस्ट एयर में, जैसे कि और मोस्टली इनका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रीसियस मेटल भी कहा जाता है। जैसे आपकी एग्जाम्पल के लिए बताऊँ कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब नोबेल मेटल है, बट सिल्वर गोल्ड तो बहुत महंगा हो जाएंगे, ये एज ए कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और मेटल्स हैं जो कि नोबेल है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, प्लैटिनम, प्लेडियम, इरिडियम, रुथेनियम, रोहोडियम और रेहेनियम भी कैटलिस्ट है। तो ये सारे ही कैटलिस्ट है और इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है नोबेल मेटल कैटलिस्ट, ये रिफाइनरी में यूज होता है। उसके बाद कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो कि नॉन नोबेल मेटल हैं, जिसको बेस मेटल भी कहा जाता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या कोरोड हो जाते हैं, या फिर रिलेटिवली इजिली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से। ऐसे जो मेटल्स हैं जो बेस मेटल्स, उसमें देखिए आयरन है, निकेल है, टीन है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, ये सारे एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन नोबेल मेटल है ये जनरली सल्फाइडेड फॉर्म में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, सल्फाइडेड फॉर्म में। ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप देखेंगे रिफाइनरी में किस तरह कैटलिस्ट होते हैं। जनरली कोबाल्ट और मोलिब्डेनम ये कैटलिस्ट यूज होता है हाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए, मोस्टली हाइड्रोजिनेशन के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद निकेल या मोलिब्डेनम, निकेल, टंगस्टन, एक प्रोमोटर और एक मेन कैटलिस्ट इस तरह से, या फिर आपका प्लैटिनम या प्लेडियम नोबेल मेटल। और ये जो मैंने लिस्ट बनाया है इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उनकी हाइड्रोजिनेशन एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बेसिस से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोजिनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर तो आपको मेटल प्योर नोबेल मेटल कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, और जहाँ पे थोड़ा हाइड्रोजनेशन से हो जाए काम वहाँ पे आपको ये बेस मेटल से भी काम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट है वहाँ पे हम लोग नोबेल मेटल यूज करते हैं,
सॉरी नोबेल मेटल नहीं, मतलब जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं आप? निकल यूज कर रहे हैं, निकल यूज कर रहे हैं, तो मेटल कैटलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, हाँ एक और बात कर रहा हूँ कि जनरली कई बार ऐसा है कि जो भी ये मेटल कैटलिस्ट है ना, इसको डायरेक्टली अगर आप यूज करेंगे, जैसे मेटल्स हैं बहुत सारे और उसको एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो क्या होता है हाई टेम्परेचर पे ये एक दूसरे जो पेलेट्स हैं और ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और इसको और अटैच होकर ऑलमोस्ट बड़ा बन जाते हैं, इसलिए इसका सेंटरिंग बोलते हैं। इससे आपका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो इसलिए जो ये मेटल कैटलिस्ट है मोस्टली एक सपोर्ट होता है उसके ऊपर इम्प्रिग्नेटेड किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हाई टेम्परेचर पे ये एग्लोमरेट नहीं बनाते हैं, सिंटरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जो सपोर्ट यूज होता है, सपोर्ट वो उसके बारे में भी बता दूं। सपोर्ट जो यूज होता है वो मोस्टली मेटल ऑक्साइड यूज होता है, जैसे कि एलुमिना, ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंट है, या फिर दो ऑक्साइड का मिक्सचर जैसे Al2O3TiO2, एलुमिना हो सकता है, TiO2 हो सकता है, या फिर आपका जियोलाइट जैसे NaY जियोलाइट, ZSM5 जियोलाइट, ठीक है, USY जियोलाइट, इस तरह के सपोर्ट होते हैं। तो मतलब आप क्या समझ रहे, सपोर्ट भी ऐसा हो सकता है जिसमें कैटलिटिक एक्टिविटी हो और जिसमें नहीं हो। जैसे कि अगर जियोलाइट एज ए सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो जियोलाइट एज ए एसिडिक साइट भी प्रोवाइड करेगा, कैटलिटिक एक्टिविटी भी है। सिर्फ एलुमिना यूज करते हैं तो उसका एसिडिटी नहीं रहता है। तो इस तरह से एक्टिव भी हो सकता है और नॉन एक्टिव भी हो सकता है सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक डेवलप कर लिया। इसमें जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये एक बेसिक हम लोगों ने जो डेवलप कर लिया है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि जनरली जहाँ पे भी आप ट्रीटिंग यूनिट है उसमें मेटल्स को आपको रिमूव करना होता है, आपको ओलिफिन्स को रिमूव करना होता है, सल्फर रिमूव करना होता है, नाइट्रोजन रिमूव करना होता है, ऑक्सीजन रिमूव करना होता है, एरोमेटिक्स को सैचुरेट करना होता है, मतलब ओलिफिन सैचुरेशन और एरोमेटिक सैचुरेशन। तो ये देखिए, ये इस रेंज में इसका डिफिकल्टी है, मतलब जितना ज़्यादा ये डाउनवर्ड साइड है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये रिएक्शन। मतलब मेटल तो बहुत इजली रिमूव हो जाते हैं, ओलिफिन्स थोड़ा उससे डिफिकल्ट है रिमूव करना, सल्फर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एरोमेटिक को सैचुरेट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इसमें एक और बात मैं बोल दूँ कि जो कैटलिस्ट हमने यूज किया है कोमो और नीमो, इसमें ये क्या देखा गया कि जो कोमो कैटलिस्ट है, कोमो कैटलिस्ट और नीमो कैटलिस्ट के बारे में मैं बात कर दूं, सॉरी, कोमो और नीमो, ये देखा गया है कि जो नीमो कैटलिस्ट है ये काफ़ी हाई हाइड्रोजन प्रेशर पे बढ़िया काम करता है, हाई हाइड्रोजन प्रेशर हो और एक्टिविटी हाई हेवी फीड स्टॉक हो, सीवियरिटी ज़्यादा हो, मतलब हाई सीवियरिटी पे बेटर है, और ये लो हाइड्रोजन प्रेशर पे भी काम कर सकता है, और इसमें सल्फर रिमूव करने की ताकत बहुत अच्छी है, तो डिसल्फराइजेशन एक्टिविटी बहुत अच्छा है। बट एज जैसे मैंने अभी बताया कि मेटल्स जो रिमूव करना है, मेटल्स मतलब नाइट्रोजन रिमूव करना हो या एरोमेटिक सैचुरेट करना हो या ऑक्सीजन को हटाना हो, तो ये कोमो उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि कोमो का जो हाइड्रोजिनेशन एक्टिविटी है उतना ज़्यादा नहीं है, नीमो का हाइड्रोजिनेशन एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए अगर आपको नाइट्रोजन रिमूव करना है, ठीक है, और आपको एरोमेटिक्स का भी सैचुरेशन करना है, तो उस समय नीमो यूज करना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, तो सिर्फ डिसल्फराइजेशन हो तो वहाँ पे कोमो आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कोमो कैटलिस्ट में ना, कोमो कैटलिस्ट में ओलिफिन्स इजली नहीं घुस पाते हैं, क्योंकि जो ओलिफिन्स हैं उसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होता है कोमो कैटलिस्ट में, और नीमो में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए कोमो कैटलिस्ट में ओलिफिन्स का सैचुरेशन भी बहुत इजली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ये हम लोगों ने एक बेसिक डेवलप कर लिया है, अब इसके बेसिस पे फटाफट हम लोग डिसाइड करते जाते हैं, एक एक यूनिट लेते जाते हैं और उसमें हम लोग देखते जाते हैं कि क्या क्या कैटलिस्ट यूज होगा। तो जैसे अभी हम लोग लेते हैं सबसे पहले DHDS, KHDS या NHDT, इसमें क्या कैटलिस्ट यूज होगा? चूंकि इसमें मोस्टली सल्फर रिमूव करना है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको कोमो कैटलिस्ट यूज कर लो,
और आपको क्या बेस रखना चाहिए, गामा एलुमिना, ठीक है, क्योंकि आप इसे यहाँ पे क्रैकिंग नहीं चाहते हो, तो आप अगर जियोलाइट बेस पे अगर कोमोड लगाएंगे तो वो तो क्रैकिंग भी कर देगा, ठीक है। और इसमें ये जो गामा एलुमिना है ये कुछ नहीं, एलुमिना का डिफरेंट फेज है, अल्फा बीटा गामा तीन डिफरेंट फेज होता है एलुमिना का, जिसमें गामा एलुमिना में सबसे ज़्यादा पोरस स्ट्रक्चर है, मतलब तो इसमें पोर साइज ज़्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पोर ज़्यादा पोर होने से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो कोमो ऑन गामा एलुमिना फॉर DSDS। अच्छा, अगर आपको नाइट्रोजन और ये भी एरोमेटिक भी सैचुरेट करना पड़ेगा तो अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नीमू और निकेल टंगस्टन ऑन गामा एल्यूमिना, ठीक है। तो हाई प्रेशर यूनिट जैसे DHDT और वो सब में ये नीमू यूज होता है, लो प्रेशर जैसे DHDS जिसमें 25 kg प्रेशर है वैसे यूनिट में आपका कोमो यूज होता है, ठीक है। नीमो भी यूज हो सकता है बट नीमो जनरली हाई प्रेशर पे अच्छा है, उसका एक्टिविटी होता है, ठीक है। एक यूनिट हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि निकेल चाहिए और बेस क्या होगा, एलुमिना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये तीसरा हाइड्रोक्रैकर। अब देखिए हाइड्रोक्रैकर में क्या है, आपका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी है और क्रैकिंग भी रिएक्शन है, इसलिए आपको दोनों चाहिए, एसिडिक साइड भी चाहिए और मेटल साइड भी चाहिए। इसलिए हाइड्रोक्रैकर का जो कैटलिस्ट है वो ड्यूअल फंक्शन कैटलिस्ट होता है, जिसमें दोनों होता है, एसिडिक साइड भी होता है और ये आपका मेटल साइड भी होता है। तो जैसे आप देखिए क्या क्या होता है हाइड्रोक्रैकर, जहाँ जहाँ है वहाँ पर पहले क्या रिएक्शन होता है, हाइड्रोट्रीटिंग होता है, क्योंकि कैटलिस्ट हाइड्रोक्रैकर का कैटलिस्ट ख़राब ना हो जाए। तो हाइड्रोट्रीटिंग किस पे होता है, नीमो ऑन गामा एलुमिना, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे हो रहा है ना, तो कोमो तो नहीं यूज होगा। और उसके बाद हाइड्रोक्रैकिंग के लिए क्या यूज होता है, नीमो या फिर निकेल टंगस्टन ऑन जियोलाइट, यहाँ पे जियोलाइट यूज, जियोलाइट बेस में यूज कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट में, क्योंकि क्रैकिंग भी करवाना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कैटलिस्ट हो सकता है कि सीधा नोबेल मेटल यूज करो, जैसे प्लेटिन ऑन जियोलाइट भी यूज होता है, ठीक है। नीमो या निकेल टंगस्टन ऑन एमोर्फस सिलिका एल्यूमिना भी में भी यूज हो सकता है, बट उसका क्रैकिंग एक्टिविटी थोड़ा कम होगा। तो बहुत तरह का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे पेपर हैं, हर एक डिस्कस करता रहता है कि कौन सा कैटलिस्ट अच्छा है, कौन सा बेकार है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, बट एक बेसिक आपको आइडिया हो गया है कि हाइड्रोक्रैकर जो कैटलिस्ट होगा उसमें दोनों होना चाहिए, एसिड फंक्शन भी होना चाहिए और बेस ये आपका मेटल फंक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग और यूनिट के बारे में बात करें, CRU के लिए क्या कैटलिस्ट होना चाहिए। आप देखिए CRU में आपका मेन रिएक्शन क्या है, नेफ्थीन का डिहाइड्रोजिनेशन, और नेफ्थीन का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन है, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मेटल फंक्शन कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। बट CRU में पैराफिन का आइसोमराइजेशन भी होना चाहिए, होता है, इसका मतलब आपको एसिड फंक्शन भी चाहिए। पैराफिन का डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन भी होता है, जिसमें पहले तो हाइड्रोजन रिमूव होकर ओलिफिन्स बनता है, फिर उसके बाद, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन मतलब मेटल फंक्शन चाहिए, फिर आपका उसके बाद उसका साइक्लाइजेशन होता है, तो साइक्लाइजेशन ये जो रिएक्शन है ये आइसोमराइजेशन टाइप का है, तो ये जो है यहाँ पे एसिडिक फंक्शन चाहिए, और फिर इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसका मतलब मेटल फंक्शन चाहिए, ठीक है। बट इसके अलावा एक और रिएक्शन यहाँ पे जो अनडिजायर्ड रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्रैकिंग होता है, तो हाइड्रोक्रैकिंग जो कि अनडिजायर्ड रिएक्शन है ये भी होता है। तो हमको ये सारे रिएक्शन कराने के लिए एसिड फंक्शन भी चाहिए और मेटल फंक्शन भी चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग एसिड फंक्शन नहीं चाहिए, नहीं तो हाइड्रोक्रैकिंग ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो कैटलिस्ट है CRU का वो क्या है, वो है क्लोरीनेटेड गामा एल्यूमिना, क्योंकि जब गामा एल्यूमिना का क्लोरीनेशन कर दिया जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है। एल्यूमिना तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, बट क्लोरीनेटेड गामा एल्यूमिना जो है वो एसिडिक हो जाता है और उसमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी आ जाती है, कैटलिटिक एक्टिविटी आ जाती है। तो इसलिए क्लोरीनेटेड गामा एल्यूमिना और उसमें प्लैटिनम का नैनो पार्टिकल्स रहता है। बट बाद में क्या देखा गया कि प्लैटिनम का स्टेबिलिटी थोड़ा कम है, तो स्टेबिलिटी पुअर है, तो इसलिए लोगों ने क्या किया, प्लैटिनम को स्टेबल करने के लिए एक दूसरा प्रोमोटर ऐड किया। तो जैसे आजकल जो कैटलिस्ट यूज होता है प्लैटिनम और रेहेनियम,
ये यूज होता है आपका जो सेमी रिजेनरेटिव कैटलिस्ट कैटलिटिक रिफॉर्मिंग में, और प्लैटिनम एंड टीन एज ए प्रोमोटर यूज होता है सीसीआर में, जो ये प्लैटिनम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम लोग एक और बात करते हैं, ये आपका जो आइसोम रिएक्शन है उसमें हम लोग बात करते हैं। आइसोम रिएक्शन में आप देखिए, आइसोम में पहले हम लोग बात किए थे कि बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन होता है, तो इसका मतलब आपको हाइड्रोजन वाला भी मतलब मेटल कैटलिस्ट भी चाहिए, और इसका मेन रिएक्शन ही तो आइसोमराइजेशन है, तो आपको एसिडिक कैटलिस्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेन रिएक्शन ही आइसोमराइजेशन है, इसलिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो सेम है एज ए सीआरयू कैटलिस्ट, बट यहाँ पे जो क्लोरीन का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखिए कैटलिटिक रिफॉर्मिंग का जो में जो क्लोरीन है वो करीब करीब 0.9 to 1.1 वेट परसेंट होता है, बट आइसोम में का जो कैटलिस्ट है उसमें आपका क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कैटलिस्ट का एक्टिविटी होगा, कि उतना ज़्यादा आपका ये आपका जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट यूज होता है वो मोस्टली ऐसे होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन है। ठीक है, और इस तरह से, तो ये जो कैटलिस्ट है ये मोस्टली ये इस तरह से इतना ज़्यादा क्लोरीनेशन होता है कि अल्टीमेटली ये जनरेट कर लेता है AlCl3, और ये AlCl3 ही एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। हाई एसिडिटी के लिए जियोलाइट भी एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, तो इस तरह के भी कैटलिस्ट हैं जिसमें जियोलाइट भी एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। अभी क्या है, ये जो कैटलिस्ट है इसमें अगर वाटर अगर चला जाए तो ये क्या करता है, जो Cl3 है इसको डिस्ट्रॉय करके जस्ट नॉर्मल क्लोरीन जैसे सीआरयू में जो कैटलिस्ट है उस तरह का बन जाता है, तो ये आइसोमराइजेशन का एक्टिविटी खत्म हो जाता है। इसीलिए जो आइसोम रिएक्टर है उसमें नेफ्था और हाइड्रोजन दोनों को ड्रायर से ले जाते हैं, वाटर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कैटलिस्ट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो Cl3 जो आया है ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्यूरिंग कैटलिस्ट मैन्युफैक्चर में ही बन पाता है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर जो है वो परमानेंट पॉइजन है। जबकि जबकि सीआरयू का जो कैटलिस्ट है, सीआरयू के कैटलिस्ट में जैसे सीआरयू के कैटलिस्ट है उसमें अगर आप ये अगर यूज करें वाटर यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, कैटलिस्ट का एक्टिविटी कम हो जाएगा, कैटलिस्ट का एक्टिविटी कम हो जाएगा, और बट इसका फिर वापस क्लोरीनेशन करने से वापस क्लोरीन आ जाएगा, तो ये परमानेंटली डीएक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपका बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट का एक्टिविटी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा क्लोरीन होगा, ज़्यादा हाइड्रोक्रैकिंग होगा जो डिजायरेबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा पानी चल जाए तो बिल्कुल क्लोरीन नहीं रहेगा तो हाइड्रोक्रैकिंग तो नहीं होगा, बट हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन सॉरी जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है पैराफिन का वो भी नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा क्लोरीन चाहिए, तो वहाँ पे परमानेंट पॉइजन नहीं है, जबकि आइसोम में वाटर जो है वो परमानेंट पॉइजन है। एनीवे, अब हम लोग बात करते हैं MSQ के बारे में, जो मोटर स्पीड क्वालिटी अपग्रेडेशन है उसमें हमने उन बात किया था कि एक रिएक्शन होता है जिसमें सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन होता है। सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन मतलब आपका उसमें मोस्टली जो है डाईओलिफिन्स मोनोओलिफिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजिनेशन भी सॉरी अलाउड नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ओलिफिन्स जो है वो भी सेचुरेट हो जाएगा, इसलिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है नीमो मेटल, नोबेल मेटल कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे बेस जो होता है वो प्योर एलुमिना होता है, जबकि आइसोम और सीआरयू में जो है वो क्लोरीनेटेड एल्यूमिना है, प्योर एल्यूमिना है, इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे आइसोमराइजेशन क्रैकिंग ये सब तो चाहिए नहीं। और उसके बाद जो HDS है जहाँ पे ABFCC गैसोलीन का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे तो आपको सिर्फ सल्फर रिमूव करना है, इवन ओलिफिन्स का भी सेचुरेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कोमो यूज होता है, कोमो ओवर प्योर एल्यूमिना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया। अब जो एक और यूनिट है क्लॉस सल्फर रिकवरी यूनिट, सल्फर रिकवरी यूनिट उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो मोस्टली गामा एल्यूमिना यूज होता है, बट पहले गामा एल्यूमिना यूज होता था उसमें कुछ प्रॉब्लम आता था,
कार्बोनिन सल्फाइड और कार्बन CH2 का हाइड्रोलिसिस हो जाता था, इसलिए अभी आजकल टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट यूज होता है। तो गामा एल्यूमिना बेस एज ए बेस कैटलिस्ट हो या टाइटेनियम, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है SRU के बारे में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ही यूनिट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एक मेन यूनिट रह गया है फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट, तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो एक काम करते हैं फ्लूडाइड कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट के कैटलिस्ट के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेते हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।